तो अगर आपको भी 20 की एज में चाहिए लीन बल्क ऐसा चेस्ट, तो तीन वर्कआउट आज मैं आपको तीन वर्कआउट करके दिखाऊंगा जो आपको ऐसे चेस्ट में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसके बाद पंप देखिएगा। अभी पंप नहीं आया बट पंप के बाद। ऑल राइट, तो हमारी पहली वर्कआउट होने वाली है वार्म अप के बाद। वार्म अप आप पहले कर सकते हैं, पुशअप्स कर लीजिए या कुछ और फिर जो भी आप वार्म अप जैसे भी कर सकते हैं या फिर उसी पे लाइट वेट लगा के आप कर सकते हैं। लेकिन पहली वर्कआउट हमारी जो होने वाली है इनक्लाइन बेंच पे, इसमें कुछ थोड़ा सा होगा ग्रिप जो है हमारी। अरुण थोड़ा पास ले रहा, यहाँ पे ग्रिप पे, खाली ग्रिप पे, ग्रिप पे सूट रहा ऊपर से, ऊपर से देखा ये ग्रिप जो हमारी, ये कुछ ऐसे क्लोज। तो लाइट वेट के साथ आप करिए, मैंने 10 kg लगाया, ये मेरा लाइट वेट है और आपका। तो ग्रिप हमारी कुछ ऐसे क्लोज होने वाली है। इसमें ग्रिप को क्लोज करके हैंड डाउन अप एंड वन, फुल ऊपर लॉक नहीं करना है हाथों को, नीचे रखेंगे। टू थ्री फोर एट गुड, फेलियर सर तक ले जाएंगे। लाइट वेट के साथ में जितना आपका लाइट वेट है वही लगाएं आप, और उसके साथ फेलियर जाए, बढ़ाना चाहे तो फिर इसके आगे बढ़ा सकते हैं, मैं नहीं बढ़ाऊंगा। और इसके हम करेंगे 4 सेट। पहला हमारा 16 आया, चारों को फेलियर ही करेंगे। मेक श्योर 14 15, इससे ज़्यादा आप ना जाए, जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत हिट करता है। अगर पूरे पोटेंशियल के साथ आप वर्कआउट को कर रहे हैं तो नहीं, 16 नहीं जाएगा किसी भी हालत में। ओके, तो ये पहली वर्कआउट, 4 सेट इसके करने हैं, फेलियर जाना है लाइट वेट के साथ में। चलिए नेक्स्ट वर्कआउट। ऑल राइट, तो हमारी दूसरी वर्कआउट होने वाली है फंक्शनल मशीन पे, जो कि कुछ और तेरी मैं भूल गया इस पे भाई, ये फंक्शनल मशीन पे। ये मैं जिम के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको एट होम वर्कआउट चाहिए तो वो भी मुझे बताइए, मैं उसके वीडियो ले आऊंगा। तो चलिए ये हमारी दूसरी वर्कआउट होने वाली है, इस पे हमें 3 सेट करने हैं। मेक श्योर इस पे भी आप फेलियर जाइए, और कुछ इस तरह से आपको मशीन के बीच में खड़ा होना है और दोनों हाथों को बाहर, और ये रहेगी आपकी पोजीशंस 1 एंड 2। इसमें थोड़ा सा हैवी आप वेट लगा सकते हैं, और ये ओके फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ में इसे परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। ओके, तो आप अपने अकॉर्डिंग वेट लगाइएगा, मैं इस पर थोड़े अच्छे वेट निकाल लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा वेट और जाइएगा फेलियर। ओके ओके ओके, हम इसके 4 सेट करेंगे, 3 और करने हैं हमें। मैंने 15 kg ऐड किया था, आप उससे थोड़ा ज़्यादा या इससे थोड़ा कम कर सकते हैं, आपके स्ट्रेंथ के ऊपर है। ओके, तो दूसरी वर्कआउट में जो पंप है वो कुछ ये रहा। चलिए चलते हैं तीसरी और आखिरी वर्कआउट की तरफ। तीसरी और आखिरी वर्कआउट
और ये चेस्ट की मेरी फेवरेट वर्कआउट है, इसको आप आगे से तीसरे पे या चौथे पे फिक्स कर दीजिए। मैंने तीसरे पे किया हुआ है, और वेट आप अपने अकॉर्डिंग लाइट तो नहीं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, जिससे हमारे कम से कम 20 रैप निकल जाए आराम से, वो वाला रखेंगे। और चलिए फेलियर, फेलियर जाएंगे। पोजीशन आपकी कुछ ये रहेंगी, सर पीछे, पैर हल्का सा आगे, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप नीचे, बम आगे रख के आप चेस्ट को फुल अप, और ये जो है ग्रिप, ये ना ऊपर पूरी सटी होनी चाहिए ना नीचे, मिड में होनी चाहिए। और हैंड्स हल्के से एल्बो द, और वन फुल कॉन्टैक्ट, मसल माइंड कनेक्शन बहुत जरूरी है इसमें, तो खास करके हर मसल, हर वर्कआउट में जरूरी है, हर सेट में जरूरी है, बट इसमें और भी खास। तो चलिए फेलियर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, अरुण थोड़ा उठाओ कैमरा, 10, 12, 13, 14, थोड़ा पास ले आओ तो दिखाओ तो कम, 14, 16, ऊपर से लाओ थोड़ा, ऊपर 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 से चेस्ट पे, 20, देखिए, 10, 20, ओके, ओ, गुड, ओ माय गॉडनेस, ओ, सेट, देख रहे हैं, ये देखिए, ओके, इतना रख दीजिए। तो हमने फेलियर किया तो कितने आए हमारे फेलियर, 20, 20, 21, 22। तो वेट वो रखिए जो आप अच्छे से कर सकें, और मेरी मानिए तो 20 या 20 से ज़्यादा रखिएगा स्टार्टिंग, और उसके बाद आप नेक्स्ट जो 3 सेट और बचे हैं उसमें भी हम 4 सेट करेंगे, और गो टू फेलियर, उस पर हम धीरे धीरे वेट बढ़ाएंगे और वर्कआउट के साथ। ऑल राइट, तो एंड ऑफ वर्कआउट, और ये हमारा कुछ पंप आप देख सकते हैं वर्कआउट के बाद। तो ऐड कीजिए सबने वर्कआउट शेड्यूल में, और चेस्ट डे बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए वर्कआउट। तो चलिए जाते जाते लाए चैनल को सब्सक्राइब, और एक कमेंट प्यारा सा, और थम्स अप बटन को क्लिक करके वीडियो को एंड करिए, एंड थैंक यू, वॉच माई वीडियो।